मेरा नाम पूनम जोशी है। मैं आज यहाँ पे आई हूँ। चुंदड़ी परिवर्तन ये कार्यक्रम है, तो इसमें चुंदड़ी परिवर्तन करते हैं विडो औरतों का, और ये मतलब एक अच्छी पहल है, अनीता जी ने करवाया है, बहुत ही अच्छी पहल है। हम लोग बहुत खुश हैं इससे। मतलब कब आपके हस्बैंड की डेथ हुई? मेरे क्या क्या जो है समस्याएं आपके? मेरे हस्बैंड की डेथ हुए 10-15 साल हो गए। इस बीच मुझे बहुत समस्याएं हुई, बहुत ज़्यादा बाहर के लोगों से, मतलब कहीं कौन आ रहा है मेरे घर में, कौन बाहर जा रहा है, मैं कहाँ जा रही हूँ, क्या कर रही हूँ, मतलब इस तरीके की नज़र रखी जाती है मुझ पर कि मेरे घर में कौन आ रहा है, क्यों आ रहा है। कोई रिश्तेदार आया, चाहे कोई मैकेनिक आया, कुछ भी, तो मतलब गलत निगाह से देखते हैं लोग। और कपड़ों को लेकर क्या दिक्कत हो रही है? कपड़ों को लेकर जैसे कि किसी फंक्शन में जाना हो, करना हो, तो मतलब अच्छे कलर हम लोग नहीं पहन सकते। मतलब यही पहनना कि ब्लू कलर है, मैरून कलर है, मतलब रेड है, पीला कलर, मतलब ये अच्छे कलर, चमकीला कलर ये नहीं पहन सकते। कि हमने ऐसा क्या गुनाह किया जो हम होता ही है? होता है, हम मन में तो असर होता है, मन में बहुत दर्द होता है जब लोग इस प्रकार से बिहेव करते हैं ना, तो बहुत दर्द होता है मन में, अजीब सा लगता है। अलग से पहचान हो जाती है वो, फिर लोग बाहर जाते हैं तो मतलब देखा भी इस नज़र से जाता है हमको कि विडो औरत है। जो जेंट्स लोग हैं उनकी भी गलत निगाह रहती है ऊपर, बहुत असर पड़ता है उस चीज़ से। ये सब चुंदड़ी परिवर्तन से क्या होगा, इसका क्या परिवर्तन? ये एक अच्छी पहल है, मतलब महिलाओं पे, मतलब इनको भी हक है जीने का, पहनने ओढ़ने का सब हक मिलना चाहिए इनको भी। थैंक यू। मेरा नाम अनीता है और मैं डोगाँव चौटन ब्लॉक के डोगाँव से हूँ, और यहाँ पे हम आज जो भी महिला इकट्ठा हुई है ये महिला संगठन की संगठन से ही जुड़ी है, और यहाँ पे इस मुद्दे पे चर्चा हो रही है कि एक विधवा है, जो विधवा महिला होती है ना, हमारे शुरू से यही कुरूति चली आ रही है कि भाई विधवा को अगर कोई सामने आ गई तो फिर उससे अपशगुन हो जाता है। अगर जो महिला विधवा है उसके घर में अगर बेटे की भी शादी है तो वो महिला बाहर नहीं निकल सकती, उसको मतलब कहते हैं कि भाई आप घर में ही रहो। अगर कोई वो जैसे हमारे बोलते हैं ना शादियों वरी वगैरह लेने जाते हैं तो उसमें भी लड़के की माँ को नहीं ले जाते, क्योंकि भाई बोलते हैं कि ये विधवा है तो अपशगुन हो जाएगा, इनको साथ नहीं ले जा सकते हम। तो इसलिए हमारे यहाँ पे अभी ये जो चल रहा है ये मतलब चुंदरी परिवर्तन है, चुंदरी परिवर्तन है, जिससे मतलब कि जो विधवा महिला है उसकी चुंदरी परिवर्तन करवाई जा रही है। जो मतलब विधवा होती है उसको काले कपड़े पहनाए जाते हैं, उसके लिए ये महिला संगठन अनीता जी सोनी है जो ये अभी इस चुंदरी परिवर्तन के लिए काम कर रही है। जो महिलाएं आती है यहाँ पे, मतलब जो एक तो आज जिस मुद्दे पे बात हो रही है वो तो है कि जो विधवा महिला है उनका चुंदरी परिवर्तन करवाया जा रहा है, उनके मतलब हाथों में मेहंदी लगाई है और बिंदी लगाई है, जैसे कि क्योंकि उनको काले कपड़े पहनाए जाते हैं, ना तो वो श्रृंगार कर सकती है, ना किसी कोई ऐसे जैसे हमारे शादी ब्याह में ना तो उनको आगे नहीं ले जाया जाता, मतलब हमेशा उनको पीछे ही रखते हैं कि आप भाई आपका ये काम नहीं है। क्यों जरूरी हो गया कि ये होनी चाहिए ऐसा? क्योंकि अब जैसे कि एक आदमी है और उसकी पत्नी नहीं है, ठीक है, तो उस आदमी को मतलब उसका थोड़ी पता चलता है कि वो विदुर है, उसका कैसे पता चलता है। लेकिन एक महिला का तो 100 महिलाएं बैठी है और उसमें एक अगर एक दो महिला विधवा है तो उनका पता चल जाता है कि भाई ये विधवा है, क्योंकि उन्होंने कपड़े ऐसे पहन रखे, उन्होंने काले कपड़े पहन रखे, और आदमी के तो कोई पता नहीं चलता, ना तो उसका कोई सिंदूर है ना कोई काले कपड़े, वो तो जैसा है वैसा ही रहेगा। इसलिए ये मतलब अनीता जी सोनी है जो ये चला रहे हैं कि भाई विधवा भी अपनी ज़िंदगी जी सके, वो भी रंग बिरंगे कपड़े पहन सके, वो भी अपने हिसाब से ज़िंदगी जी सके, बस यही है। अच्छा, आज ऐसे कपड़ा भी जो चेंज किया हो की हो तो थोड़े पहले हस्बैंड कदी डेथ हुई थी हम वो देखो घरालर कदी डेथ हुई थी 12 साल में 12 साल और बाद एड़ा कपड़ा ही पहन था हां एड़ा पर और घराला कह के धणी भूमंगो ने कहने बताया के बढ़िया पहरी के हां कह ए तो बढ़िया पहरी ने तू जाए घूमण हारू के क्यों पहरे के धणी मुंगो क्यों पहरे ए तो रोड है रोड होमी आई मारो हुगन खोटा गया के भाई सेन कोई आई तो एक ही को मायु घणा लारी पड़े मन तो हमें जाए रोटी खाती हुई है छोकरी भगवान रो आज ए तो ये अनीता बहन मेहंदी लगाई हाँ कितने 12 साल बाद मेहंदी लगाई हाँ 12 साल बाद भी लगाई ठीक हाँ आप
मेरा नाम क्या चल रहा है? मेरा नाम रतु देवी। ये कार्यक्रम महिला संगठन है जो आज प्रोग्राम रखा हुआ है, जो रीति रिवाज चौंदनी बदला नहीं हुई, जो गांव में शहरों में ज़्यादा से ऐसी चल रही है, जो विधवा महिला होती है ना उसको भेदभाव हर जगह करते हैं, तो बिंदी हुई, टिकी हुई, चुंदड़ी हुई ये ओढ़ने नहीं देते, फिर ये काली हुई है इसे चुंदड़ी ओढ़ देते, मना करते हैं या फिर सब गांव वाले परिवार वाले इसके मना करते हैं। अगर कोई ऐसा पहन लेता तो फिर उसके क्या क्या ताने मिलते हैं? तो सामने आए तो डाकन आई है, ये कौन आई है, ये विधवा महिला आई है, ये जो दुआगन है ऐसे चल रहे हैं। अगर कोई ऐसी महिला हो पति की डेथ के बाद अगर दूसरे कपड़े पहन ले, रंगीन पहन ले, तो फिर गांव नहीं पहन लेते, नहीं क्या कहते हैं फिर उसको? वो विधवा महिला ऐसे आई रही, ये दुआगन है, इसका शगुन अलग से होता है, ताने मिलते हैं ना।